आज मैं आप लोगों को उस जमाने में ले जाऊंगी जहां पर हम फेसबुक यूज किया करते थे। ओह माय, इस पे कमेंट्स क्या भयंकर आए हुए हैं यार। तो इस फोटो को पहली बार मेरे क्रश ने लाइक किया था। लुक एट माय एक्सप्रेशंस, इतनी कॉन्फिडेंट लग रही हूँ मैं इस टाइम पे कि अरे ये फोटो तो बहुत ही अच्छी है। दर्शकों, मैं अब जो आपको दिखाने वाली हूँ उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगना चाहती हूँ। Welcome back to my YouTube channel. How are you all? I really hope that everybody is doing good and great. If you are new here, then hi, I'm Shivani Dugal and I post videos related to fun challenges, makeup and vlogs. So if you are interested in any of that kind of video, then please subscribe to my channel and also press the bell icon. Okay, so you already have read the title, I suppose. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, I mean मैं करने वाली हूँ मेरी पुरानी पिक्चर्स एक्सपोज। Okay, so I was going through my Facebook account yesterday night and I just thought ki, oh my god, ये क्या photos मैंने upload कर रही हुई हैं। And वहां से मुझे idea आया कि let's do this video कि मैं अपनी पुरानी videos पे react करूंगी आप लोगों के सामने। Because I want you guys to know me a little more कि मैं कैसी थी और अब कैसी हूँ and all that stuff. So yeah, without any further ado, let's begin with the video. Today's shout out goes to Vanya Mishra and Rita Roy Chaudhary. And thank you so much for commenting under my video. I really love you guys. And if you also want a shout out in my next video, then you just have to like this video, subscribe to my channel and let me know in the comment section below that you did both the things and that's how you can get a shout out in my next video. Okay, so main thoda side ho jati hu taki yahan aapko photo dikh jaye. Aur ab hum shuru karte hain photos dikhana. So इस वीडियो में आप लोग मुझे क्रिंज करते हुए, छी बोलते हुए, आए हाय ये बोलते हुए बहुत सुनने वाले हो। तो अगर आप मेरा क्रिंजी फेस देखना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट वियर्ड फोटो, मतलब मेरी सबसे पुरानी फोटो है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा फोटोज बेटर होती जाएंगी। सो वेट फॉर द बेटर फोटो ऑल्सो। पहली फोटो है ये वाली। ओके, सो आई तो ये फोटो में एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज, ये बहुत पुरानी है, आई गेस ये 2014 की फोटो है। आई अपलोडेड दिस फोटो ऑन 5 जनवरी 2014 एंड ओ माय गॉड, 6 साल से ज्यादा पुरानी। तो ये फोटो आई रिमेम्बर कि मेरे साथ इस फोटो में मेरी फ्रेंड भी है बट मैं वो कट कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो वो शी विल बी ओके और नॉट। तो इस फोटो में मैंने उसका चश्मा पहना था। हमने क्या किया था कि मैंने उसका चश्मा, उसने मेरा चश्मा और हमने फिर फोटो क्लिक करवाई थी। आई डोंट नो, ओ गॉड। और ये जो आपको ये ब्लू रबर बैंड दिख रहा है ना, ये इसलिए होता था क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी वहां पे हमें ब्लू हेयर बैंड या ब्लू रबर बैंड लगाना होता था, तो मेरा वो पूरा दिन वही लगा रहता था। तो इस वजह से यू कैन ऑल्सो सी माई ब्लू रबर बैंड। तो ओके, फर्स्ट इज दिस वन। I know, right? It is too weird. Okay, now I'm gonna and ये 10th class की है। Okay, I was in 10th class, तो ये तब की फोटो है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आई एम गोना शो यू माय फेयरवेल फोटो। ओह माय गॉड, लुक एट मी, यू कैसे खड़ी हूँ। एंड मेरे फेयरवेल की फोटोज में, हर एक फोटो में मेरे हाथ में ये आइसक्रीम का कप है, आई डोंट नो व्हाई, हर फोटो में है। एंड मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला गाउन। एंड या दैट्स इट। ओ माय गॉड, ये फोटो किया क्यों डाली तूने ये फोटो शिवानी? ये फोटो भी मैंने 2014 में डाली थी अगस्त में। एंड कैप्शन, आई रियली वांट यू गाइस टू लुक एट द कैप्शन। माय एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ओके। और एटीट्यूड में ए कैपिटल, फिर टी छोटा, फिर एक टी कैपिटल और स्टैंडिंग में भी एस और टी कैपिटल, बाकी सब छोटा। पता नहीं क्या है ये। एंड लुक एट माय फोटो मैन, ओ माय पफ, कैन यू लुक एट द पफ। मैं इतना ज्यादा पफ बनाती थी, वो बालों को ऐसे पफ पीछे पिन लगा के, अरे हाय हाय क्यों, ठीक है। एंड ओ माय गॉड, इस पे भी बताओ कमेंट्स और लाइक्स आते थे, मुझे तो हैरानी है। ओके, नेक्स्ट फोटो। ओह दिस इज सच अ क्यूटी फोटो। ये क्या पोज है, मतलब ओ माय गॉड, ये बहुत एपिक है यार। ये भी 2014 का ही है। ओहो, कितनी प्यारी सी भोली भाली बच्ची लग रही हूँ मैं इस फोटो में। नेक्स्ट फोटो। अच्छा ओके, सो ये फोटो जो है ना, इस फोटो पे मुझे इतने लाइक्स आए थे, इट वॉज अराउंड 150 प्लस लाइक्स। और उस टाइम पे फेसबुक बहुत हाइप पे था, तो अगर आपके 150 लाइक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप तो फेसबुक क्वीन हो मैन। तो ये बहुत ही सही था। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग,
5-6 साल पहले फेसबुक वॉज लाइक इंस्टाग्राम, कि लोग दीवाने थे फेसबुक के. आई वॉज लिटरली एडिक्टेड टू फेसबुक, बहुत ज्यादा एडिक्टेड थी, एंड विच इज नॉट अ गुड थिंग. अब तो कोई फेसबुक को देखता भी नहीं, मैं तो खोलते भी नहीं हूँ फेसबुक. तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस फोटो, ये फोटो पे बहुत लाइक्स आए थे. तो मैंने पता क्या किया था, मैं आई रिमेम्बर कि मैंने ना ये फोटो लगाई, फिर मैं एक फोटो दो फोटो चेंज करती थी, फिर मैं बैक टू दिस फोटो, आई यूज टू कम बैक टू दिस फोटो, क्योंकि मुझे लगता था यही वाली बेस्ट है, इस पे लाइक्स आ रहे हैं, यही लगाऊंगी. एंड जो मैंने स्वेटर पहना है वो मेरे डैड का है इस फोटो में. ओके, टू मच इन्फॉर्मेशन शिवानी. ओके ओके ओके, तो ये फोटो मैंने डाली थी 2015 में 6 फरवरी को, एंड आई रोट 17th. ओके, दिस वॉज माई 17th बर्थडे, एंड मेरा 5 फेब को बर्थडे होता है इफ यू डोंट नो. तो 6 को मैंने अपलोड करी थी एंड आई रोट 17. ओ माई गॉड, वॉट इज दिस पोज, कैन यू प्लीज लुक एट द बूट्स. मतलब मैं कहीं बर्फ में जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने बूट्स क्यों पहने थे. आई रिमेम्बर मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे एंड इस पे पॉम पॉम भी लगे हुए थे. लुक एट माई पोज, मतलब मैंने ऐसे दिया हुआ है, आई थिंक मैं कॉलर बोन दिखाना चाहती थी, यू नो ऐसे करके वो कॉलर बोन आता है ना, बट अभी भी नहीं आता. ओके, वियर्ड वियर्ड वियर्ड, बहुत ज्यादा शर्म आ रही है मुझे, बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैंने क्या किया है. ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट फोटो. ओके, ये वाली फोटो. सो इस फोटो में एक बैक स्टोरी है, आई लुक टू क्यूट इन दिस फोटो, मुझे खुद बड़ी मैं प्यारी सी लग रही थी. तो इस फोटो में ना स्टोरी है कि मेरा ना एक क्रश था, पता है स्कूल में, आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट एक छोटी सी स्टोरी है. जब मैंने फोटो अपलोड करी थी ना, तो एक वो होता है ना अंदर से कि यार वो बंदा फोटो लाइक कर रहा है नहीं कर रहा, आप वही देखते रहते हो. तो इस फोटो को पहली बार मेरे क्रश ने लाइक किया था, एंड आई लिटरली टुक द स्क्रीनशॉट और मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया, अरे देख इसने फोटो लाइक करी है. तो हाँ, एंड इवन मैंने अपनी मम्मा को भी बताया था, तो आई वॉज दैट एक्साइटेड अबाउट दिस फोटो. नेक्स्ट फोटो, क्यूटी. ओके, दिस इज माई फोटो व्हेन आई वॉज 1 ईयर ओल्ड, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे का फोटो है, एंड ओ माय गॉड आई लुक सो क्यूट. ओके, तो मैंने ये भी फोटो डाली हुई है, एंड हाँ ये काफी क्यूट ड्रेस है एनिमल प्रिंट वाली, और आजकल बहुत ट्रेंड में है एनिमल प्रिंट, तो बेसिकली मैंने ही ये ट्रेंड लाया था. एंड नाउ आगे बढ़ते हैं, एंड आई विल शो यू, दिस इज, ओके दिस इज अगेन माई चाइल्डहुड पिक्चर जो मैंने अपलोड करी हुई है. दिस इज सच अ क्यूट पिक्चर, मुझे लग रहा है बचपन की पिक्चर सबसे ज्यादा क्यूट थी. तो ये मेरा एक बैकलेस चोली थी, वो मैंने पहना हुआ है लहंगा चोली, एंड ओके दिस इज अ क्यूट वन. नेक्स्ट फोटो. तो मुझे कोई ये बताए कि ये क्या हेयर कट है और ये क्या पोज है और ये इतना काजल क्यों है आंखों में, एंड ये क्लिप इधर टंगी, ओ माई गॉड क्या है ये, और ये पाउट क्यों दे रही हूं मैं, वाई शिवानी दुग्गल, दिस इज रियली बैड. और ये भी 2015 में मैंने अपलोड करी हुई है, तो मतलब 2015 और 2016 का जो टाइम था उस पे मैं बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गई थी फेसबुक से, व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th, एंड या ये तो बहुत ही एपिक है. ओके, नेक्स्ट पिक्चर. तो इसका कैप्शन मैंने डाला है, ले बहन लगा दी ये पिक नीली आंखें, ऑन योर डिमांड हिमाक्षी नागपाल. हिमाक्षी नागपाल को आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, शी इज माय फ्रेंड, एंड उसके कहने पर ये फोटो लगी थी. तो हिमाक्षी इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तेरी वजह से मुझे ये फोटो लगानी पड़ी, तो अब तू देखिए तो मुझे मिल बेटा तू मिल. एंड लुक एट माय एक्सप्रेशंस, इतनी कॉन्फिडेंट लग रही हूं मैं इस टाइम पे कि अरे ये फोटो तो बहुत ही अच्छी है. ओ माय, इस पे कमेंट्स क्या भयंकर आए हुए हैं यार. इस पे एक कमेंट आया हुआ है, वो ब्लू आईज तेरी हिप्नोटाइज करती है मैनू, ये वाला गाना भी लिखा हुआ है किसी ने. ओ माय गॉड भाई, ये हिप्नोटाइज नहीं, बेहोश कर देगी और बंदे को मार देगी. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फोटो पे चलते हैं. दर्शकों, मैं अब जो आपको दिखाने वाली हूँ उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम सॉरी, जस्ट लुक एट दिस फोटो. क्या बोल रही है जनता. ओ माय गॉड, तो यहाँ पर मैं क्वीन एलिजाबेथ बनी हूँ शायद, आई डोंट नो. सो दिस पिक्चर इज फ्रॉम नैनीताल, मैं नैनीताल गई थी और वहां पे ना ये हैट्स बहुत मिल रही होती है ऐसे, मतलब बहुत लोग दे रहे होते हैं, तो मैंने खरीदी थी. एंड लुक एट माय पोज, लुक एट माय स्माइल, आई डोंट नो, लुक एट दैट काजल, मैं इतना काजल क्यों लगाती थी, बाय गॉड. ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए हुए हैं. देन कम्स, ओके, इस फोटो
में तो मैं ऐसे मतलब बस मैं क्वीन ही हूँ भाई इसमें तो। और हाथ देखो ये पोज है क्या, अगर हम रिक्रिएट करें ये पोज अगर तो आई डोंट हैव अ हैट बट ऐसे समझ लो यहाँ हैट है। और व्हाट इज दिस बिहेवियर शिवानी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ दिस फोटो अगेन, दिस इज फ्रॉम नैनीताल एंड ये काफी अच्छी फोटो है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी ये वाली फोटो। एंड मैंने ये वाली फोटो भी बहुत बार चेपी है फेसबुक पे, कभी #TB लिखकर, कभी #MTB लिखकर, विच इज थ्रोबैक एंड मेजर थ्रोबैक, ये भी मैंने बहुत डाली क्योंकि इसमें भी बहुत लाइक्स आए थे। ओके आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी ये फोटो आपको देखनी पड़ रही है उसके लिए, पर मैं क्या करूं, लुक एट दिस फोटो जिसमें मैं ऐसे करके फोन पता नहीं क्या ऐसे पकड़ के फोटो ले रही हूँ। ये लेफ्ट वाली जो फोटो है इसमें क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब लुक एट माई आईज, लुक एट माई एक्सप्रेशन, लुक एट माई स्माइल। चलो दूसरी फोटो फिर भी मैं 1% को अप्रूव कर दूं, पर ये फोटो में क्यों, क्या है ये वियर्ड वियर्ड फोटो, और मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली अपलोड भी कर रखी है। एपिक। ओके गोइंग बैक टू अनदर। ओ क्या कुछ आपको क्या यहाँ पे क्या लग रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ। कैप्शन मैंने लिखा है फीवर में सेल्फी लॉल। मेरे पास इस फोटो के लिए शब्द नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, अब बस देख लो और बस देख लो प्लीज प्लीज, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फोटो। इस फोटो को देख के मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास मेरे लिए रिश्ते हैं तो आप मेरे लिए भेज सकते हैं, क्योंकि इस फोटो में मैं ऐसे शर्मा रही हूँ जैसे मेरा होने वाला पति सामने बैठा है और मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मैंने ये पोस्ट दिया। ओके कैप्शन इज isolated myself from everything just to see if people notice me not being around, but I ended up forgetting my own existence. Caption से मैं इतना ज़्यादा क्यों ऐसे गम जताती हूँ अपने, बताओ मुझे। Moving on to next photo. मेरे पास ढेर है photos का और I don't know कितनी photos मेरे पास हैं, बट आई एम गोना शो। ओ ये फोटो अब थोड़ी बेटर हो गई फोटो, अगर आप देखो तो ये मेरी 12th के बाद वाला टाइम होता है ना, जब वो 3 महीने की छुट्टियां होती है तब की फोटो है। आई वेंट टू लेजर वैली पार्क जो मेरे घर के अराउंड है, गुड़गांव में है। सो हम यहाँ गए थे, मैं मेरी फ्रेंड के साथ और कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी एंड देयर वी डिड अ फोटो शूट। ओके वो पूरा DSLR वगैरह लेके गए थे एंड वी क्लिक दिस फोटो देयर। काफी सारी फोटो आई है, मतलब अच्छी लग रही है फोटो। हे आई हैव वन मोर फोटो फॉर यू गाइस। This photo, okay, how can I forget? ये वाली फोटो है मेरी 18th बर्थडे की एंड दिस इज द ड्रेस दैट आई गॉट डिजाइन, क्योंकि मेरे को खुद ऐसा था कि मुझे सिलवानी है, मुझे अपने हिसाब से डिजाइन चाहिए, तो मैं इस ड्रेस के लिए बहुत भागी थी, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, मुझे वैसा कपड़ा चाहिए एंड बहुत ज्यादा भागी थी मैं इस ड्रेस के लिए। सो या दिस इज माई 18th बर्थडे ड्रेस। ओके उसके बाद एक दौर आया जब मेरे को वो आगे बैंग्स होते हैं वो कराने का मन था, तो मैंने वो भी कराए थे एंड आई विल शो यू सम पिक्चर्स जिनमें मैं काफी सही लग रही हूँ और क्यूट लग रही हूँ। तो ये मेरी हेयर कट की फोटोज हैं 2-3 जिसमें मैं काफी क्यूट लग रही हूँ, तो मुझे ये दिखाना भी आपको बनता है। सो या दैट वॉज द लास्ट फोटो। आई रियली होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया है, थोड़ी सी भी हंसी आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड लेट मी नो कि आपको कौन सी फोटो सबसे अच्छी लगी और सबसे गंदी लगी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Oh,